हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22। यह अंग्रेजी की वर्कशीट है जो आपको प्रोजेक्ट कार्य के रूप में दी जा रही है, वार्षिक वर्कशीट। चलिए करते हैं इसे हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ पेस्ट पिक्चर ऑफ एटलीस्ट टू ट्रीज एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ देम। हमें कोई भी दो पेड़ों के चित्र बनाना है और उनके बारे में पांच सेंटेंस लिखने हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक मैंगो का ट्री बनाया है हमने। अब इस मैंगो के ट्री को आप ड्रॉ कर सकते हो अपनी वर्कशीट में, अपने प्रोजेक्ट वर्क में, और इस प्रकार आप अपना मैंगो का ट्री बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हो। अब इस मैंगो ट्री के बारे में हमें 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, तो चलिए हम देखते हैं हम किस प्रकार 5 सेंटेंसेस लिख सकते हैं। ये रहे हमारे 5 सेंटेंसेस। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ मैंगो ट्री। आई ईट मैंगो। मैंगो ट्री हैज़ मैनी ब्रांचेस। इट इज़ अ बिग ट्री। आई लाइक मैंगो वेरी मच। अगला हमने बनाना ट्री लिया है। आप देख सकते हो पिक्चर में बनाना ट्री हम किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार आप बनाना ट्री बना सकते हो। चलिए देखते हैं इसके बारे में 5 सेंटेंसेस। ये रहे वो 5 सेंटेंसेस जिसे आप बनाना ट्री के साथ लिख सकते हो। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ बनाना ट्री। इट्स लीव इज वेरी लॉन्ग। बनाना इज अ स्वीट फ्रूट। आई ईट बनाना। वी ऑल लाइक बनाना वेरी मच। अगला प्रश्न है, ड्रॉ पेस्ट ऑल द फेसेस ऑफ मून एंड कलर देम। आपको मून के फेसेस यहाँ पर क्रिएट करना है और उनमें कलर भरने हैं। आप देख सकते हो हमने विभिन्न तरह के शेप्स जो मून के आकार है यहाँ पर बनाए हैं। आप भी अपने अनुसार मून के इस तरीके से आकार बना सकते हो और उन्हें कलर कर सकते हो। अगला प्रश्न के अंतर्गत आपको एक रेनबो का चित्र बनाना है और उसे कलर करना है, और उसमें आपको 5 सेंटेंसेस भी रेनबो के बारे में लिखने हैं। तो देख सकते हो आप कितना बढ़िया हमने यहाँ रेनबो का एक पिक्चर बनाया है। इस तरीके से आप रेनबो का पिक्चर अपने प्रोजेक्ट वर्क में बना सकते हो। आइए अब इसके बारे में हम 5 सेंटेंसेस लिखते हैं। ये रहे 5 सेंटेंसेस जो हमने रेनबो के बारे में लिखे हैं। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ रेनबो। इट हैज़ 7 कलर्स। इट मेक्स अ ब्रिज फ्रॉम अर्थ टू हेवन। रेनबो कम्स इन अ रेनी डे। इट इज़ अ वेरी गुड रेनबो। आई लाइक इट। इस प्रकार आप रेनबो के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से सेंटेंसेस लिख सकते हैं, और इस प्रकार हमारा प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण होता है।